हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी जानकारी के बारे में, एक छोटी सी कहानी कि मृत्यु के समय मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र क्यों रखा जाता है। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या शंका है, कृपया बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज़ तुलसी में जल देने से क्या होता है, उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। एक पवित्र कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं, हे देवी, गंगा के तट के किनारे एक भील परिवार रहता था, जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी और नित्य रूप से पूजा पाठ किया करती थी। यह 5 भाई हर रोज़ जंगल में जाकर शिकार करते थे, जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा किया करती थी। इसके लिए वह उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ चाकू के कारण मछली को काटते हुए कट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जब उस रक्त को दीवार में पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया। तब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे उंगलियां चाटते रह गए। बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन गया। उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा नहीं था, इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी। तो फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटा भाई को छोड़कर सारे भाई राजी हो जाते हैं। वे अपनी बहन को दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं और एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी वह बहन मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें। सबसे बड़ा भाई बाण चलाता है लेकिन उसका निशाना बार बार चूक जाता है। दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर भी उनका निशाना चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। उसकी बहन कहती है, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। 4 भाई अपनी सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में बांटते हैं। सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छिपाकर रखा था। उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर
उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई उस जगह पर आकर अपनी बहन की याद में एक बांस का पेड़ लगा देता है और उसे रोज़ाना पानी देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मल मूत्र का त्याग न करें। साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काट कर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाते हैं उसमें से एक स्त्री की सुंदर आवाज़ आती है। साधु उस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद वह साधु बड़े भाई के घर गए। उस बांसुरी से आवाज़ आने लगी, इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और साधु को अपने द्वार से भगाने लगा। साधु अन्य चार भाइयों के द्वार पर भी जाते हैं किंतु वे सभी उसे वहां से भगा देते हैं। साधु को तब समझ आता है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में है उसका इन लोगों के साथ कुछ नाता है, लेकिन साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर में साधु पांचवें भाई के द्वार पर जाता है। बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई देती है और वह साधु से बांसुरी मांगता है। साधु बांसुरी को पांचवें भाई को देता है और वहां से चला जाता है। भाई अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है, हे भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा पाठ किया करो। भाई अपनी बहन को बातों को मनमान कर नित्य तुलसी में जल देता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था तब भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से प्रकट हुए। भाई ने भगवान विष्णु की सच्चे मन से स्तुति की। भगवान विष्णु ने उसे तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा। भाई ने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए बांसुरी में तुलसी पत्र में जल डाल दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी बहन पुनर्जन्म लेकर बांसुरी से बाहर आ गई। भगवान विष्णु ने दोनों भाई बहन को तुलसी के महत्व का ज्ञान करा दिया। हे देवी, तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है। रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल जाए और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालने का कारण है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता। कुछ बूंदें ही व्यक्ति के मोक्ष के लिए काफ़ी होती हैं। मृत्यु के समय गंगाजल डालने से व्यक्ति को कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और आसान मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो उसे भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में कष्ट देने वाले यम देवता मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। इसलिए मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल मृत शरीर में डाला जाता है।
तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमारी जानकारी में कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।